पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार। आप सबकी होली शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरी हो, इसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम होली विशेष कृषि और नक्षत्र। होली के और क्या क्या महत्व हो सकते हैं शास्त्रों के मुताबिक, होली क्यों मनाई जाती है, क्यों होलिका दहन किया जाता है, होलिका दहन से पहले क्यों उसकी पूजा की जाती है और फिर गुलाल से क्यों खेली जाती है होली, तमाम सवाल हैं ऐसे जिनके शायद आप शास्त्रीय क्या उनके उत्तर हो सकते हैं आप नहीं जानते होंगे। इसी पर आज का हमारा कार्यक्रम है और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं होली विशेष कृषि और नक्षत्र की और जानते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक क्या महत्व होता है होली का, क्यों रखा जाता है होली का व्रत। तो सबसे पहला यही सवाल कि होली का व्रत हम क्यों रखते हैं। पंडित जी, होली का व्रत भी किया जाता है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कार्यक्रम की कि होली का व्रत क्यों रखा जाता है। देखिए सुधा जी, व्रत होली का नहीं किया जाता है, व्रत किया जाता है होलिका का, जो कि होली के एक दिन पहले की तिथि होती है पूर्णिमा। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और करना भी चाहिए। उसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि पूर्णिमा के दिन ही श्री सूर्य नारायण का जन्म हुआ था और चंद्रमा का भी जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। सूर्य नारायण का जन्म देवताओं की माता अदिति के गर्भ से तथा चंद्रमा का जन्म अत्रिऋषि की धर्मपत्नी माता अनसुईया के गर्भ से हुआ था। इसलिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य व चंद्रमा खराब स्थिति में है, पाप पीड़ित हैं, उन्हें होलिका का व्रत मतलब फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, होलिका दहन किया जाती है। होलिका दहन आपने देखा होगा कि सदैव सायंकाल या भोर में किया जाता है। कब? जब प्रदोष की वेला होती है, संक्रमण की वेला होती है, मतलब सूर्यास्त के समय, जिसे आप गोधूलि वेला भी कह सकते हैं। ना रात होती है ना दिन होता है, एक मध्य की वेला का चयन किया जाता है। प्रायः अक्सर ऐसा ही होता है जब होलिका का दहन किया जाता है। दूसरी बात, माताएं हमारी यह व्रत ज़्यादा करती हैं। क्यों करती हैं? यह व्रत माताओं के लिए इतना महत्व क्यों है, उसका शास्त्रीय पक्ष बता देता हूँ। जब हमारी माताएं इस व्रत को करती हैं तो शास्त्र कहता है उन्हें एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प क्या लेना चाहिए? मम सकल बालक बालकाधिभि सह सुख शांतिर्थ कामनया सह होलिका व्रतम महम करिष्ये। ये संकल्प होता है। अब बालक बालकाधिभि मतलब जो उनकी जीवित संतानें हैं, चाहे बालक है चाहे बालिका है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी नारायण सदैव रक्षा करें, स्वास्थ्य की रक्षा करें, उसे आयुष्य दें, इस तरह की कामना के लिए इस होलिका का व्रत पूर्णिमा के दिन किया जाता है। हमारी माताएं करती हैं और पूजन भी करती हैं। अब यह व्रत संतान की रक्षा से कैसे जुड़ा, इसके पीछे एक कथा है। शायद हमारे विद्वान दर्शक जानते हों, आप भी जानती हों, कि एक होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, जिसने हिरण्यकश्यप के पुत्र बालक प्रहलाद के मारने की दृष्टि से चिता पे बैठ करके और उसे गोद में ले लिया बालक प्रहलाद को। लेकिन दैव संयोग देखिए, होलिका जल गई, बालक प्रहलाद बच गए, क्योंकि नारायण बालक प्रहलाद की स्वयं रक्षा कर रहे थे। तो जिस तरह से इतना घोर संकट आने पे, प्रत्यक्ष मृत्यु आने पर भी मृत्यु ने प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ा और नारायण की कृपा से वह सकुशल जीवित रहे, उसी प्रकार नारायण बच्चों की रक्षा करें, इस कामना से माताएं व्रत करती हैं। उनके संतान के सभी प्रकार के यश का, मोक्ष का, धर्म का, अर्थ का, हर प्रकार से सदैव रक्षा करें, योग क्षेम की जिम्मेदारी स्वयं नारायण लें, इस कामना से सभी माताएं व्रत होलिका का करती हैं, फाल्गुन पूर्णिमा का करती हैं, पूजन करती हैं और होलिका दहन भी इसी उद्देश्य हेतु किया जाता है। ये तो होलिका के व्रत का आपने विधान बताया कि क्यों व्रत रखा जाता है। जी, एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, अक्सर मैं सोचती हूँ कि होलिका दहन हम करते हैं, सही है, जो हम कथाएं सुनते आ रहे हैं, साथ से होलिका दहन होना चाहिए, लेकिन होलिका दहन वाले दिन ही सुबह प्रातः में होली की पूजा भी की जाती है। दहन से पहले की होलिका पूजन, उसका विधान क्या है और क्यों किया जाता है ये पूजन, ये भी बताएं। देखिए, पूजन के विषय में मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि सूर्य व चंद्रमा की पूजा की जाती है, क्योंकि उनका जन्मदिन होता है। सूर्य चंद्रमा की पूजा करने के साथ साथ गाय के गोबर के कंडे बनाए जाते हैं, अपने घर से जलाने की संविधाएँ इकट्ठी की जाती हैं और सबसे बड़ी बात, एक वृक्ष होता है एरंड,
जिसे गांव की भाषा में रेण भी कहा जाता है, उस रेण के विशेष गांव के पश्चिम और खास करके दक्षिण दिशा की तरफ होलिका बनाई जाती है, होलिका गाड़ी जाती है, माने होलिका देवी की स्थापना की जाती है। होली के 15 दिन 20 दिन पहले ही ऐसा माना जाता है कि होलिका की तैयारी शुरू कर दी गई एरंड के पेड़ के साथ ही। हाँ बिल्कुल, बसंत पंचमी से ही वो प्रथम दिवस होता है। और कहीं कहीं होलाष्टक की मान्यता है, होलाष्टक मतलब होता है होलिका के 8 दिन पहले के जो दिन होते हैं, तिथियां होती हैं, उसे 8 दिनों के समूह को होलाष्टक कह दिया जाता है। तो होलाष्टक के प्रथम दिन मतलब होलिका के 8 दिन पहले ही जो है एरंड का पेड़ गाड़ करके होलिका की स्थापना की तैयारी कर ली जाती है। और होलिका के दहन पूर्णिमा के दिन जो है उसमें होलिका की स्थापना की जाती है, उसका आवाहन किया जाता है, विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है, बाद में उसको जलाया जाता है। यह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है बुराई को जलाने का, अच्छाई की जीत का। और इसके साथ साथ कुछ तंत्र की क्रियाएं होती हैं, कुछ हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ हमारी पूजा पद्धतियां हैं, उसे भी पूर्ण किया जाता है इस होलिका के वेदी के साथ साथ। जैसा भी आपने कहा कि कुछ तंत्र विद्याओं को लेकर भी, तो मैंने अक्सर सुना भी है, देखा भी है कि होलिका दहन जिस दिन होता है उस रात को और अगले दिन सुबह भी हम देखते हैं बहुत टोटके, तंत्र विद्याएं सब बहुत होती हैं, तो इस दिन क्यों ये ज़्यादा किए जाते हैं? सिद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये रात मानी जाती है, क्यों इस दिन को सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या इसके पीछे क्या विधान है वो भी बताएं। देखिए स्मिता जी, शास्त्र हमारा कहता है काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, ये 4 प्रकार की विशेष रातें वर्ष पर्यंत में एक संवत्सर में आती हैं। 4 रातें विशेष सिद्धि देने वाली। हाँ, रातों का एक अपना अपना अलग ध्येय है, किसी विशेष कामना से हर रात का विधान है। काल रात्रि, महारात्रि जो भी शिवरात्रि बीती, काल रात्रि नवरात्र की रात्रि, मोहरात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी, लेकिन जो दारुण रात्रि है वो यही होलिका की रात्रि है। अब दारुण का अर्थ समझिए, दारुण का मतलब होता है दुख। तो जब दुखों से निवृत्ति पानी हो, दुख संकट इतना हो कि आपको कोई रास्ता न सूझ रहा हो, कठिन है, दारुण का एक अर्थ कठिन भी होता है, जिसका कोई इलाज न हो, उन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए, अपनी तमाम समस्याओं को भस्मीभूत करने के लिए, अपने ऊपर जो भी संकट है उसको जलाने के लिए इस होलिका का प्रयोग करना चाहिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को। इस होलिका के दिन अपने शरीर पर से हो सके तो पीली सरसों या उपटन थोड़ा सा मालिश करके अपने शरीर के अंगों पर से मर्दन करके उसे ले जा करके होलिका में डालना चाहिए। यह तरह से देखने में तो एक तंत्र क्रिया लगती है, लेकिन वास्तविक में तंत्र नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए कही जा सकती है क्योंकि हमारे शरीर में ये जो मौसम का परिवर्तन होता है, इसको अडाप्ट करने के लिए, इसको अनुकूलित करने के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए तेल का मर्दन, सरसों के उपटन का मर्दन बहुत आवश्यक हो जाता है शरीर से आलस्य को भगाने के लिए। और कहीं ना कहीं चेहरे फटने लगते हैं, जब ये हवाएँ चलती हैं बसंत की तो स्किन फटती है, उससे भी बचाव होता है उपटन के प्रयोग से। तो एक तो शास्त्र भी कहता है, विज्ञान भी इसकी पूर्ण पुष्टि करता है। तो अगर आप ये क्रिया करते हैं अपने शरीर पर उपटन का मालिश करके सरसों के तेल से या पीली सरसों ऊपर से वार करके होलिका में डालते हैं, होलिका में जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके वर्ष पर्यंत के जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, वो होलिका की आग में जल के भस्म हो जाएगा और आपका जीवन पूरे वर्ष पर्यंत सुखी रहेगा। यानी जिन्हें तंत्र का नाम दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उनका एक साइंटिफिक लॉजिक है, इसलिए वो चीज़ें की जाती हैं। अब आपने तंत्र कहा है तो तंत्र की थोड़ी सी, एक मिनट समय नहीं है, एक मिनट की व्याख्या कर दूँ। तंत्र का मतलब सिर्फ तरीका है, पद्धति है, बाकी कुछ नहीं है। तंत्र को अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो सिस्टम कहते हैं, सिस्टम मतलब पद्धति, वे वो तरीका है। तंत्र का इससे अधिक कोई महत्व नहीं, इससे अधिक कोई उसका अर्थ नहीं हो सकता। इसे डरने या भयभीत होने की आवश्यकता कदाचित नहीं है। किसी भी ग्रीन टीवी के दर्शक जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आज के बाद तंत्र के नाम से कभी डरिएगा मत, कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि तंत्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। तंत्र सिर्फ सिस्टम है, एक तरीका है, एक पद्धति है। तो होलिका के व्रत, उसके पूजन से संबंधित बातें तो पंडित जी ने आपको बताई ही, साथ ही आपको ये भी बताया कि तंत्र का सही अर्थ क्या होता है, उस शब्द का सही मतलब क्या होता है। कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका होली विशेष कृषि और नक्षत्र में, जिसमें पंडित जी आपको बता रहे हैं शास्त्रों के मुताबिक क्या महत्व होता है होली का। कई महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने आपको बताई और कई महत्वपूर्ण बातें अब हम आपको बताने वाले हैं। एक और बात है कि इस दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है, क्यों कामदेव की पूजा का विधान है होली पर, चलिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से।
पंडित जी, होली के दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है, उनकी पूजा क्यों की जाती है होली पर? देखिए, कामदेव की बात आए तो कामदेव की पूजा सिर्फ होली के दिन ही नहीं, यह जो पूरा 60 दिन का समय होता है वसंत का, तो बसंत राज कहा जाता है कामदेव को, बसंत के देवता हैं कामदेव, तो बसंत पंचमी से ही बस कामदेव की पूजा आरंभ हो जाती है, जो कि चलती रहती है अगले 60 दिनों तक। अब खास करके इस होलिका दहन से क्या संबंध है कामदेव का, यह एक विशेष बात बन जाती है। कुछ शास्त्र ऐसा प्रमाण देते हैं कि इसी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, अनंग को भस्म किया था, जब उनके तप को भंग करने का प्रयास कामदेव और देवी रति ने किया था। तो एक तरह समझिए कि काम को पुनः सृजित करने के लिए, काम को पुनः जागृत करने के लिए इस सृष्टि में इस तिथि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब तक काम नहीं आएगा तब तक मोक्ष नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 सीढ़ियाँ हैं और एक एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी आती है, अगर आप पहली सीढ़ी तोड़ देंगी तो तीसरी नहीं चढ़ पाएंगे। पहली सीढ़ी धर्म है, दूसरी सीढ़ी अर्थ है, तीसरी काम, काम छोड़ के आप मोक्ष की तरफ जा ही नहीं सकते हैं, तो काम आवश्यक है, आवश्यक आवश्यकता है, इसलिए काम का भी प्रयोग उतना ही है जितना धर्म का, जितना अर्थ का। ये तो रहा कामदेव का संबंध इस होलिका पूर्णिमा से, क्योंकि उसी दिन उनका महादेव ने उनको भस्मभूत किया था, लेकिन इसका संबंध महादेव से भी है। भस्म तो कर दिया महादेव ने कामदेव को, लेकिन कामदेव का जो प्रयास था लोक कल्याण के लिए, जो उन्होंने अपना बलिदान दिया था, वो बलिदान इस संसार के काम आ गया। महादेव विवाह के लिए राजी हो गए, माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया, मतलब एक सन्यासी गृहस्थ हो गया, और लोक कल्याण के लिए तारकासुर के वध के लिए खडानन स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चल के कार्तिकेय नाम से देवों के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। एक तो ये बड़ा लोक कल्याणी कार्य हुआ उस समय में, और जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव इसी होलिका पूर्णिमा के दिन पड़ी थी, कामदेव और देवी रति ने रखी थी, इसीलिए इसे आनंद का उत्सव मनाया जाता है। अगर आपको कोई शत्रु भी है, विरोधी भी है, उससे भी आप हंस के मिले, यहाँ तक कि शास्त्र यहाँ तक छूट देता है कि इस काल अवधि में होली और जो बसंत का मौसम होता है, इसमें जो आपके निजी संबंध हैं, जो एक संबंधों की गरिमा है, उसमें अंदर रह करके आप किसी से भी हंसी ठिठोली कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, उसकी पूरी छूट हमारा शास्त्र देता है। एक आनंद उत्सव है, आप इसे यूँ समझिए कि कौमुदी महोत्सव के नाम से हमारे शास्त्र ने मनाने की आज्ञा दी है, इजाज़त दी है। होलिका पूर्णिमा उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण तिथि है। अभी आपने बताया कि शिव जी की भी पूजा होती है, आपने कहा कि आनंद का पर्व है होली, आनंद का पर्व आपने होली को कहा, तो मुझे याद आया कि आनंद के पर्व को और आनंदमय बनाने के लिए लोग भंग भी पीते हैं। भंग का संबंध जो है शिव जी से है, और होली के रंगों का संबंध होता है कृष्ण से। कृष्ण को होली खेलने के लिए काफ़ी मशहूर है, वृंदावन में, मथुरा में होली बहुत खेली जाती है। तो होली का संबंध कृष्ण से क्या है, भंग से क्या है, मतलब शिव जी का और कृष्ण का भी कोई संबंध है इस दिन से? देखिए, संबंध सीधे तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जानिए कि जब जब भगवान नारायण ने धरती पे अवतार किया है, तो उन्होंने मानवों वाली ही लीलाएं की हैं, कुछ अलग नहीं किया है। होली अनादिकाल से खेली जाती रही, भगवान श्री कृष्ण हो या रामा अवतार में भगवान श्री राम रहे हों, दोनों लोगों ने होली खेली है। भगवान राम ने अवध में और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने वृंदावन में होली खेली है। होली खेली पहले से जाती थी, इन्होंने सिर्फ मानव योनि में जन्म लेने के नाते एक उसकी गरिमा स्थापित कर दी और होली को एक अलग स्थान दे दिया, एक आनंद का एक अलग स्थान दे दिया। किस तरह से मर्यादा में रह करके, अपने व्यवस्था में रह करके और आनंद लिया जा सकता है, उसके लिए एक लोगों को एक संदेश दिया और बताया कि आचरण से भी आनंद लिया जा सकता है, मर्यादा में रह करके भी मौज लिया जा सकता है। और यह जो है भगवान श्री कृष्ण ने बखूबी भागवत में ये लिखा है, उन्होंने ये दर्शाया भी है कि कैसे आप होली का आनंद ले सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको बताया कि क्यों होली के दिन कामदेव की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा का क्यों विधान इस दिन के लिए माना गया है, और कृष्ण का क्या संबंध रंगों से और होली से है। तमाम बातें पंडित जी ने आपको बताई, लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो है होली के संबंध में जो आपको जाननी चाहिए कि इस बार होली का शुभ मुहूर्त क्या होगा, होली पूजन आप किस समय कर सकते हैं, चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। स्मिता जी, इस बार 12 मार्च को पूर्णिमा का, ये होलिका का
मुहूर्त है। होलिका दहन का जो मुख्य मुहूर्त है वह 12 मार्च को सायंकाल 6:23 से लेकर के 8:23 तक है। टोटल यह जो अवधि है वह 1:59 के है। इसी बीच में, इसी कालखंड में आपको होलिका जलानी है, होलिका की पूजा करनी है, होलिका की परिक्रमा करनी है और जो भी आपको होलिका में डालना है इसी कालखंड में, इसी अवधि में डालें तो निश्चित रूप से आपकी समस्त विपत्ति, समस्त कष्ट, खास करके दारुण कष्ट मतलब कठिन कष्टों का भी निवारण इसी समय वेला में होलिका में डालने से हो जाएगा। तो ये था होलिका दहन का मुहूर्त जो इस बार रहने वाला है। पंडित जी आपको बता चुके हैं होलिका दहन का सही मुहूर्त इस बार ये रहेगा जो पंडित जी ने अभी आपको बताया है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे होली के त्योहार से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का होली विशेष कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं शास्त्रों के मुताबिक क्या महत्व है होली का। होली के महत्व पर और चर्चा करें उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि होली पूजन का क्या विधान रहने वाला है। पंडित जी आपने होली का मुहूर्त ब्रेक पर जाने से पहले बताया, होली का पूजन का क्या विधान रहेगा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, पूजा तो वैसे ही होती है जैसे सामान्य पूजा की जाती है, थोड़ा सा विधान फर्क है वो मैं बता देता हूँ। होलिका जो मैंने पहले बताया एरंड के वृक्ष के साथ गाड़ी जाती है, उसी पे होलिका का स्थापना किया जाता है, आवाहन किया जाता है। उस स्थान को जल से, गंध से, अक्षत से शुद्ध कर दिया जाता है। वहाँ पे काठ मतलब लकड़ी, गाय के गोबर के उपलें और जलाने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं वहाँ पर इकट्ठी कर दी जाती हैं। आप इसके साथ साथ सायंकाल होलिका की शाम को गीत गाइए, संगीत का आनंद लीजिए, होली के गीत गाइए। इतना ध्यान रहिए गीत गाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर की तरफ हो। गीत गाने का और होलिका मनाने का, आनंद लेने का भी हमारे शास्त्र में संकल्प लिया जाता है। वो संकल्प मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप नोट कर लें और यदि आप उस संकल्प के अनुसार ये सारी क्रियाएं करते हैं, होलिका का पूजन करते हैं, गीत आदि गाते हैं, निश्चित रूप से आपके पुण्य में अधिक से अधिक वृद्धि होगी। संकल्प इस प्रकार है, मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सर्व पक्षांति पूर्वकम सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थम ढूंढा प्रीति कामनया होलिका पूजनम अहम करिष्ये। इस प्रकार से आप संकल्प ले लें, संकल्प लेने के बाद आप होलिका का पूजन करें, उसके पश्चात आप जो होलिका में अग्नि लगाएं वो अपने घर से नहीं, किसी से मांग करके या बाहर, घर के बाहर ही अग्नि प्रज्वलित करें, घर से नहीं, और आप उससे होलिका जला दें। होलिका जलाने के पश्चात होलिका में गंध मतलब रोली, पुष्प, अक्षत, जल ये चीज़ें आप उस पर चढ़ा दें मतलब अग्नि का पूजन कर दें। इसके बाद आपको उसकी होलिका की 3 परिक्रमा करनी है, 3 से ज़्यादा नहीं करनी है, 3 से कम नहीं करनी है। और करते समय परिक्रमा आपको बोलना है, असिक्रा पाप भय संत्रस्ते कृता त्वम होली बाली से अतस्तत्वाम पूजस्यामी भूते भूते प्रदा भव। मतलब जो भी हमारे पाप कर्म हैं, जो भी हमारा कुछ बुरा होने वाला है आप उसका नाश कर दें, मेरा कल्याण करें। इसके पश्चात आप उसी होलिका को अर्घ दें, जल समर्पित कर दें। इसके बाद आप होलिका जब जल जाए उसकी राख घर पे ले आएं, उस राख को अपने गले में लगाएं, अपने मस्तक पे लगाएं और आप बाकी जो राख के साथ आग बच जाती है उस आग को अपने घर के आंगन में थोड़ा सा गोबर से लीप करके उसको रख दें। और जो नवान्न है मतलब जो नए अन्न की बालियां हैं जौ की, गेहूं की, उसे थोड़ा सा उस पर सेंक लें और उसे खाएं। निश्चित रूप से आपको नव यौवन की प्राप्ति होगी तथा शरीर में नव यौवन के साथ साथ रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी, रोग से लड़ने में आपका शरीर अधिक मजबूत होगा। और इसके पश्चात अगले दिन होली के दिन गुड़ से बने पकवान बनाइए, मिठाइयों के पकवान बनाइए, खाइए और आनंद लीजिए। इसे नवानिष्टि यज्ञ भी कहा जाता है होली को, मतलब नए अन्न खाने का भी ये मुहूर्त होता है। नए अन्न खाने से शरीर में यौवन आता है, शरीर में पुष्टता आती है। तो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे कि ये बालियाँ जो नवान्न की बालियाँ हम जलाकर खाते हैं होली की अग्नि में वो क्यों खाई जाती हैं, उसका सटीक उत्तर पंडित जी ने आज आपको बता दिया है। पंडित जी एक और सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी, समय कम है फिर भी एक संक्षिप्त में उत्तर मैं चाहूँगी कि कहा जाता है होली के दिन जो हवा चलती है, कहते हैं कि उस हवा का रुख बताता है कि राजा और प्रजा के लिए, फसलों के लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा
और होलिका दहन जब होता है तो कहते हैं कि जो धुआं उड़ता है आकाश में, उस धुएं की दिशा ये बताती है कि सत्ता के लिए यानी राजनीति के लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में ये आदिकाल से परंपरा रही है कि होलिका के धुआं को देख कर के अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला संवत्सर, आने वाला वर्ष कैसा रहेगा राजा के लिए, प्रजा के लिए, राष्ट्र के लिए। उसका एक बहुत मजबूत कारण है। कारण ये है कि इस समय फसलों के पकने का समय होता है। कुछ फसलें पक के तैयार होती हैं तथा कुछ फसलें अधपकी रहती हैं, मतलब 10 एक दिन में पकने वाली रहती हैं। तो यदि हवा की स्थिति इस तरह है कि जब मौसम में गर्मी बढ़ने वाली हो, मतलब जब मौसम में ठंड ना हो, आर्द्रता ना हो, मौसम में गर्माहट हो, इसका मतलब है फसलें बहुत अच्छी होंगी, फसलें पक के जल्दी तैयार हो जाएंगी तथा उन फसलों का वजन भी ज़्यादा होगा, अधिक होगा, अन्न में ताकत होगी। लेकिन यदि आर्द्रता बढ़ी रहती है, नमी ज़्यादा रहती है, मतलब फसलों को पकने में अभी विलम्ब है, देर है, अब फसलों की पैदावार भी कम हो जाती है और इसी फसलों से पूरे राष्ट्र का भविष्य निश्चित होता है। जितना हमारे कृषि उत्पाद बढ़ता है उतना ही हमारा देश तरक्की करता है। और जब अन्न ज़्यादा होगा तो राज्य को कर ज़्यादा मिलेगा, कर ज़्यादा मिलेगा तो विकास कार्य भी देश में ज़्यादा होंगे। तो सीधा सीधा संबंध होलिका के धुएँ से राज्य का है, राजा का है, प्रजा का है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी, बहुत सटीक बात है पंडित जी ने आपको होली के व्रत की, होली के विधान की, होलिका दहन की आपको पंडित जी ने बताई हैं, जिनके बारे में शायद आप सटीक उत्तर इससे पहले नहीं जानते होंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी में आकर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के होली विशेष कृषि नक्षत्र में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते आप सभी को ग्रीन टीवी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी होली शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरी हो, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा।